ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमने बताया लाइन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों का इनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी जिनका सोल्यूशन सेम होता है वो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें ज़रा देख ले, ये सिर्फ समझाने की हद तक मैं इसको बताऊँ कि ये जो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये जो माइनस है इसकी शक्ल, ये मैं फिक्टिशियस बना रहा हूँ सिर्फ समझाने की हद तक, ये मतलब ये जो इसकी शक्ल होती है वो इस तरह होती है, ये फिक्टिशियस में बना रहा हूँ, इसकी शक्ल इस तरह होती है, ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी, ठीक है। ये क्या है, ये एक लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये हमारे पास है वाई बराबर है टू माइनस एक्स, ये, और ये मैंने बताया कि ये इसकी शक्ल है। तो जहाँ पर एक दूसरे काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, दो पॉइंट, एक पॉइंट P, दूसरा क्या है पॉइंट Q, तो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हमने मालूम करना है, एक्स वाई, हर पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो किस तरह मालूम करेंगे, ये जो तरीका है उसमें आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जो लीनियर वाला है उसमें से हम y की कीमत लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये बना बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट, यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम, चलो मैं लिख लूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ये पहले से बना हुआ है, y इज इक्वल टू क्या, टू माइनस एक्स, अब इसको अपने पुट करना है, या पुटिंग इन इक्वेशन नंबर टू, ये चीज़, तो इसमें आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये, और वाई की जगह क्या आ जाएगा, टू माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर पाँच। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फार्मूला, ठीक है। आप जानते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के, ये, तो यहाँ पर आप ये समझे, ये ए, ये हमारा बी है, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये याद रखिए ब्रैकेट लगा है, टू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस टू ए बी, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये चीज इज इक्वल टू फाइव। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर फोर, ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर टू टू फोर फोर एक्स, ये चीज बराबर फाइव। अच्छा जी, अब ये जो साइन है, चूँकि माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी रकम है उनका साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, ये प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस फोर एक्स, ठीक है, ये बराबर फाइव। अब यहाँ पर आप देख ले, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस फोर, फिर उसके बाद फोर एक्स, ये फाइव को भी इस तरफ लाए, तो जब आप, अच्छा इसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं, पहले मैं इसको लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा आप, और ये अलामत इसके साथ है माइनस फोर, ये इसको भी इस तरफ लाए, तो ये प्लस इस तरफ आकर क्या होगा, माइनस, ये चीज़, ठीक है, ये फोर एक्स माइनस फोर माइनस फाइव, ये जमा हो जाएगा, नाइन हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से फिर आप क्या करेंगे कि चले यहाँ पर देख लिया, चलो एक स्टेप यहाँ पर मैं करता हूँ, फोर एक्स इज इक्वल टू ये नाइन, यहाँ पर माइनस फोर इस तरफ जाकर क्या होगा, प्लस होगा जीरो के साथ। अब फोर यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई वन अपॉन फोर, एक ही मतलब होता है, ठीक है, ये। अब इसको हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन, तो चलो मैं पहले लिख लूँ इसको, ये टू माइनस एक्स, यहाँ पर आपने पुट करना है टू माइनस नाइन ओवर फोर, एल सी एम आ जाएगा फोर, फोर इसके नीचे क्या है वन है, फोर को वन पर डिवाइड कर ले, फोर आ जाएगा टू के साथ मल्टीप्लाई कर ले एट, फोर को फोर पर डिवाइड करो वन आ जाएगा, वन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई कर लो नाइन, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर वाई, ये चीज़ और ये। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये हमने गलत ड्रा किया है, अमूमन ये दो लाइन अगर दो पॉइंट होता तो ये दो पॉइंट को टच करके गुजर जाता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चूंकि हमारे पास अभी पॉइंट क्या आ गया, एक्स वाई हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास है नाइन और माइनस वन अपॉन फोर,
ये चीज़। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है वो सिर्फ इसको एक नुक्ते पर यानी टेंजेंट बनाता हुआ वो गुजर जाता है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो किस तरह होगा, चलो मैं दोबारा ड्रा कर लूँ। वैसे एक दो पॉइंट हो तो इस तरह की शक्ल बनेगी। अगर ये फर्ज करें ये इस तरह है, ये यही चीज़ है। अब लाइन इसको किस तरह टच करेगा, लेट से 9/4, 1/4, तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह इसको टच करता हुआ जाएगा। एक फिक्टिशियस में बना रहा हूँ इस तरह, या यहाँ पर भी यहाँ पर मैं बनाऊँगा ये। तो फर्ज करिए ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये माइनस है, हाँ ये माइनस है, एक माइनस है इसका ये चीज़ एक पॉइंट पर। अगर दो पॉइंट पर तो इस तरह कटता है या इस तरह कटता, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो हमारा मकसद ही नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमने इसको फाइंड आउट करना था, लेकिन असल में एक्चुअली ये इस तरह होता है। सो दैट्स नॉट द 100% एग्जैक्ट इसका ग्राफ नहीं है, सिर्फ समझाने के हद तक। बात क्लियर? एग्ज़ाम में आपको इसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं, आपने सिर्फ ये सॉल्व करना है आपका। अब ये जो ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये इन्हीं पॉइंट को अगर आप यहाँ पर पुट कर लें LHS RHS बराबर होगा। यही पॉइंट को अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर लिए LHS RHS के बराबर होगा। ग्राफिकली इसका मतलब ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये हाइपरबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। क्लियर बात? अब इसी को, यही हमारा सोल्यूशन है। सवाल है कि सॉल्व, यही सोल्यूशन सेट, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो ये ऑर्डर पेयर इस तरह आपने लिखना है, ये ऑर्डर पेयर देखिए 9/4 - 1/4 ऑर्डर पेयर सूरत में लिखना है, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ प्लस फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।